यहाँ पे देखो, जो भी मैं अपने लैपटॉप से कर रहा हूँ मेरी एलईडी टीवी की स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये मेरी नॉर्मल एलईडी टीवी है जो कि मैंने अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है। और ये देखो, मैं अपने लैपटॉप में कोई भी वीडियो चलाता हूँ तो मेरी एलईडी टीवी की स्क्रीन पे भी वो वीडियो चल रहा है। तो इसको कैसे कनेक्ट करना है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा कि हमने अपने लैपटॉप की स्क्रीन को अपने एलईडी टीवी के साथ में कनेक्ट किया हुआ था, और जो कुछ भी मैं अपने लैपटॉप में कर रहा था वो हमारी एलईडी टीवी की स्क्रीन पे शो हो रहा था। तो आज की इस वीडियो में यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को आप अपनी नॉर्मल से एलईडी टीवी के साथ में कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, इसके लिए आपको एक केबल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम होता है HDMI केबल। अगर आपको नहीं पता है HDMI केबल क्या होता है तो मैं आपको यहाँ पे एक दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास ये HDMI केबल है जो कि मार्केट में आपके 100-150 रुपये का मिल जाएगा। आप चाहे तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं HDMI केबल। सिर्फ HDMI केबल ही लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा, वाईफाई वगैरह कुछ भी नहीं है। हमारे एलईडी टीवी में एक नॉर्मल सी LG की एलईडी टीवी है 24 इंच की, तो उसी में मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन को मिरर करके मतलब कनेक्ट करके दिखाऊंगा, सिर्फ इस HDMI केबल के थ्रू। वाईफाई के थ्रू नहीं कनेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नॉर्मल टीवी है और वो कनेक्ट करना चाहते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन से। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, चलते हैं अपने LCD टीवी की स्क्रीन पे, वहीं से मैं आपको सब बता देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं हम अपने LED टीवी की स्क्रीन पे आ चुके हैं। और LED टीवी की स्क्रीन पे आ जाने के बाद ये देखिए, हमारे पास एक HDMI केबल है जो कि मैंने आपको दिखाया था पहले भी। तो इसका एक पॉइंट हमें अपने LCD टीवी की बैक साइड में लगाना है और दूसरा वाला पॉइंट हमें अपने लैपटॉप में लगाना है। तो पहले हम अपने LCD टीवी में इसका एक पॉइंट लगा लेते हैं। LCD टीवी में लगाने के लिए आपको अपने LCD टीवी को दीवार से ऐसे उतारना पड़ेगा। तो आपको सावधानी से ऐसे आपको LCD टीवी को अपनी दीवार से निकाल लेना है, और निकाल लेने के बाद में यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको एक HDMI पोर्ट मिल जाएगा। HDMI केबल लगाने के लिए HDMI पोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको HDMI पोर्ट में आपको इस HDMI केबल को लगा देना है। तो चलिए हम HDMI पोर्ट में अपने इस केबल को कनेक्ट कर देते हैं, तो आपको भी ऐसे कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने HDMI केबल को कनेक्ट कर दिया है, और इसका दूसरा पॉइंट हमें अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम LCD टीवी को वॉल पे लगा देते हैं, मतलब दीवार पे लगा देते हैं, उसके बाद में हम इसका दूसरा पॉइंट जो है अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे कनेक्ट करेंगे, मतलब लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखो, मैं इस HDMI केबल का दूसरा जो पॉइंट है अपने लैपटॉप से कनेक्ट करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लगाया और दूसरा पॉइंट यहाँ। सेटअप बॉक्स मेरा ऑन है, आप ये मत समझिएगा सेटअप बॉक्स यूज़ हो रहा है, सेटअप बॉक्स बिल्कुल भी नहीं यूज़ होगा, सिर्फ हमारा HDMI केबल और लैपटॉप यूज़ होगा। लैपटॉप में इस HDMI पोर्ट को, HDMI पोर्ट में आपको इस HDMI केबल को लगा देना है। तो चलिए हम कनेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा कैमरे को सामने ले आते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखा पाएँ। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हम लैपटॉप को भी सामने ले आ चुके हैं, और इस HDMI केबल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर देते हैं। तो सामने की ओर मैं ले आता हूँ ताकि आपको पूरा यकीन हो जाए। तो चलिए, मैं HDMI केबल को यहाँ पे लगा देता हूँ अपने लैपटॉप में। तो ये देखो, मैंने लैपटॉप में लगाया और ये देखो खट से कनेक्ट हो गया, मतलब झट से, मतलब सेकेंड भी नहीं लगा और हमारा लैपटॉप की स्क्रीन हमारे टीवी के साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखो, हमारे लैपटॉप की स्क्रीन हमारी टीवी के साथ में कनेक्ट हो चुकी है। तो गाइस, मैं आपको बताना भूल गया, आपको सबसे पहले इसको कनेक्ट करने के लिए अपने LED टीवी में सोर्स बटन दबा के HDMI ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में मैंने बता रखा है कि HDMI को कैसे सिलेक्ट करना है अपने LED टीवी में, तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तब ये कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं अपनी LED टीवी मतलब लैपटॉप से जो भी कर रहा हूँ वो हमारी LED टीवी पे शो हो रहा है। ये देखो, मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे कोई भी एक वीडियो वगैरह है वो अपने लैपटॉप से प्ले करूँगा तो वो हमारी LED टीवी पे शो करने लगेगा। ये देखो, मैंने वीडियो का फोल्डर अपने लैपटॉप में ओपन किया है और हमारी LED टीवी पे शो करने लगा है। एक्चुअली मैं यहाँ पे अगर कोई भी वीडियो भी प्ले करूँगा ना अपने लैपटॉप में, तो वो हमारे LED टीवी की डिस्प्ले पे शो करने लगेगा। तो चलिए, मैंने एक वीडियो को प्ले कर लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो। ये देखो, प्ले हो चुका है और हमारे LED टीवी पर भी दिख रहा है और लैपटॉप की डिस्प्ले पर भी दिख रहा है।
तो चलिए मैं किसी दूसरे एक वीडियो को अपने लैपटॉप से प्ले करता हूँ और आपको दिखाता हूँ हमारी एलईडी टीवी पर भी वो वीडियो चलेगा और हमारी लैपटॉप की डिस्प्ले पर भी वो वीडियो चलेगा। ये देखो मैंने सेकंड वीडियो को प्ले किया है, ये देखो वही वीडियो हमारी लैपटॉप में भी चल रहा है और वही वीडियो हमारी एलईडी टीवी की डिस्प्ले पर भी शो हो रहा है। तो ये देखो मैंने सक्सेसफुली कनेक्ट करके भी आपको दिखा दिया है और मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप अपने एलईडी टीवी में अगर एचडीएमआई ऑप्शन को सेट कर चुके हैं तब ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपको एचडीएमआई ऑप्शन को सेट करना नहीं आता है अपने एलईडी टीवी में सोर्स बटन दबा के कैसे सेट करना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा कि अपने एलईडी टीवी में सोर्स बटन दबा के कैसे एचडीएमआई ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने एक्चुअली में बताया हुआ है सोर्स बटन दबा के मीडिया है AV1 AV2 PC का ऑप्शन कैसे सेट करना है मैंने बता रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ओके तो इस तरीके से ये देखो मेरा जो लैपटॉप है हमारी एलईडी टीवी के साथ में कनेक्ट है, तो इस तरीके से आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं सक्सेसफुली, ये वर्क भी करता है। तो गाइस वीडियो में पूरी जानकारी मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आपके एलईडी टीवी में आपके लैपटॉप की स्क्रीन नहीं कनेक्ट हो पा रही है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा और आपको नया सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अगर आपके एलईडी टीवी में लैपटॉप की डिस्प्ले कनेक्ट हो चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। तो बाकी यार हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय बाय।